बहन है और बाकी ये बता देंगे आपको। एनसीआर में तो टोटल लेवल या 8 से 10 चला सकते हो सिर्फ। सर आप डीसी ऑफिस से बोल रहे हैं? हाँ जी हमारे यहाँ बहन है भाई, हम जो एनसीआर डीसी दे रहे हैं, यूज भी सेल भी दोनों चीजें बंद है। सरकार बंद है पटाखे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। मेरे हाथ में जो अखबार है ये कल का है, कोई छोटा अखबार नहीं है, साफ साफ बता रहा हूँ, दैनिक भास्कर है। और इसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पटाखे बैन हैं हरियाणा के 20 जिलों में, और यमुनानगर और पंचकुला में 2 घंटे के लिए आप पटाखे चला सकते हैं। लेकिन ये सिरसा जिला है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर स्टॉल लगी हुई हैं, पटाखे बिक रहे हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से अग्निशम की गाड़ी भी यहाँ पर है। अगर हरियाणा सरकार की तरफ से अग्निशम की गाड़ी है, पटाखे बिक रहे हैं, तो पटाखों पर बैन कैसा हुआ? पटाखे चलाए जाएंगे, जब वो बिकेंगे तो वो चलाए भी जाएंगे। इस मुद्दे पर सरकार कोई भी अपना साफ पक्ष नहीं रख रही। पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि पटाखे बैन है, इसका नोटिस कल आ जाएगा। खैर, इस बारे में हमने सबसे पहले बात करने की कोशिश की अशोक खेत्रवाल से, जो हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं। जब उनसे हमने बात की तो उनसे बात करने के दौरान हमें उन्होंने जो बातें बताई, और उन्होंने बताया कि पटाखे बैन हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक साइंटिस्ट जय भगवान जी का भी नंबर दिया, जिनसे भी हमने बात की। सबसे पहले अशोक खेत्रपाल, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनके ऑफिस में जो हमारी बातचीत हुई वो सुनिए। नमस्कार जी। हाँ जी, अशोक खेत्रपाल जी के ऑफिस से बोल रहे हैं सर। जी सर, हरियाणा गवर्नमेंट का क्या आदेश है पटाखों को लेकर? अच्छा, एक मिनट होल्ड करना सर, एक्चुअली मैं एबीसी इंडिया से बोल रहा हूँ। सर ये बंदा पूछ रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट का क्या आदेश है पटाखों को लेकर, बैन को बैन है ना? एक कॉन्टैक्ट नंबर नोट करो सर आप, 3849। ये किसका नंबर है सर? ये डॉक्टर जय भगवान है। ये कौन है? सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर जय भगवान। जय भगवान, अच्छा। तो आपके ऑफिस की ओर से क्या है, बैन है या नहीं? बैन है और बाकी ये बता देंगे आपको। अच्छा नहीं, बाकी मतलब ऑर्डर क्या है गवर्नमेंट का, बैन ही है ना? हाँ जी जी। अशोक खेत्रपाल जी से जो बातचीत हुई वो आपने सुन ली। अब जय भगवान जो साइंटिस्ट हैं हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उनसे जो बातचीत हुई अब वो सुनिए। उन्होंने बताया कि आप केवल मात्र पंचकुला में ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। इस वक्त मैं अमित भोबिया यहाँ पे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, यहाँ पे पटाखे बिक रहे हैं तो चलाए जाएंगे। किसकी परमिशन से बिक रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जय भगवान जी को सुनिए और उसके बाद आगे की धमाकेदार रिपोर्टिंग आप देखिएगा मेरे साथ। सर आप डॉक्टर जय भगवान जी बोल रहे हैं? हाँ बोलो। सर हरियाणा में पटाखों को लेकर क्या आदेश है सरकार का? सरकार बंद है पटाखे तो। बैन है पटाखे? बैन है। अच्छा, और सेल बैन है। अच्छा, सेल और परचेज दोनों बैन है। पूरे हरियाणा में? हाँ पूरे हरियाणा में है, पंचकुला में शायद ग्रीन पटाखे अलाउड है। हाँ, पंचकुला और यमुनानगर का आया था। ठीक है सर, यमुनानगर का नहीं है वो, उसमें तो बैन है यमुनानगर। अच्छा, पंचकुला में? पंचकुला का मुझे पता नहीं है, जो उसकी एनजीटी की डायरेक्शन थी ना। हाँ हाँ, उसमें ये थी कि अगर मतलब मॉडरेट रहा है तो वहाँ ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं, तो ये बेच सकते थे। उसके बावजूद भी डीसी ने ऑर्डर किए हैं या नहीं किए वो उनकी मर्जी पे था। वैसे वैसे बेचने के लिए ये इन पे कंडीशन नहीं थी, मतलब रोक लगाने के लिए। अच्छा, रोक नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, वो नहीं, इनकी मर्जी, अगर रोक लगाना चाहें तो लगा दें, अगर छूट देना चाहे तो दे भी सकते थे ये, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर जो था ना मॉडरेट कैटेगरी में रहा था। अच्छा अच्छा, तो डायरेक्शन ये थी कि जो मॉडरेट या इससे कम अच्छी बेटर कैटेगरी थी वहाँ तो ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं, और जो इसकी वर्स्ट जैसे बैड कंडीशन थी, बैड कैटेगरी थी, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर, वहाँ नहीं बेच सकते। अच्छा, जो पंजाब बॉर्डर के पास लगता है, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट लगता है, यहाँ पे यहाँ पर भी बैन है। अच्छा, बैन है सिरसा में। ठीक है सर, बैन है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं एबीसी इंडिया से बोल रहा हूँ, एबीसी इंडिया न्यूज चैनल से। ठीक ठीक प्रशासन ने एसडीएम साहब ने लगाई। हाँ जी सर।
तो एसडीएम साहब ने ये यहाँ पे इनको सबको अलॉट किया है यहाँ पे लगाने के लिए हैं। सिरसा जिला है ना ये, सिरसा जिला, मंडीडा वाले सिरसा जिला। आप भी अधिकारी हैं राकेश कुमार जी? अच्छा सर, आप यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हैं? हाँ जी। अच्छा, ये एसडीएम साहब ने ऑर्डर दिए हैं? हाँ जी। हरियाणा में तो पटाखे बैन को लेकर कुछ खबरें आ रही थी, क्या है वो? 2 घंटे बजाने के लिए, 2 घंटे है ये लेके गए थे बजाना, मतलब 2 घंटे का टाइम है। अच्छा, 2 घंटे का टाइम है बजाने का। प्रदूषण कब है, कितना, कौन सा टाइम है? 8 से 10 जी। 8 से 10 का टाइम है। अच्छा, इनका कहने का ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पटाखे आप हरियाणा में बजा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अशोक खेत्रपाल कहते हैं कि पटाखे बैन हैं, जय भगवान कहते हैं कि पटाखे बैन हैं, इसके बाद जब हमने बात की एसडीओ से, जो सुनील कुमार एसडीओ हैं दादरी से, उन्होंने कहा कि मेरे तो दादरी में ड्यूटी है, आप सिरसा वालों से पूछिए। नमस्कार सर, पोल्यूशन बोर्ड एसडीओ? हेलो, एबीसी इंडिया से बोल रहा हूँ। अरे, एबीसी इंडिया से बोल रहा हूँ सर। एडीसी इंडिया? एबीसी इंडिया। एबीसी इंडिया, बताइए। सर, पटाखे चलाने को लेकर गवर्नमेंट के रियल आदेश क्या है? हेलो, पटाखे चलाने को लेकर आदेश क्या है सरकार के? हमारे यहाँ बैन है भाई, हम जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, यूज भी सेल भी दोनों चीजें बंद है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में सेल और यूज दोनों बंद है? सिरसा मैं नहीं देखता हूँ, सॉरी। आप कौन सा देखते हैं? मैं दादरी भवन देखता हूँ। अच्छा, सिरसा से कौन है सर? सिरसा में, आप यहाँ देख लो इसको गूगल पे। तो दोस्तों, अब आपको मैं सिरसा के डीसी साहब के ऑफिस में ले चलता हूँ, वहां से हमें क्या रिप्लाई मिला पहले वो सुनिएगा, फिर एसडीएम साहब डवाली उन्होंने क्या बोला, और उसके बाद भी मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी वीडियो में बहुत कुछ धमाकेदार है। सर, आप डीसी ऑफिस से बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, पटाखों को लेकर, पटाखे चलाने और बेचने को लेकर क्या नोटिस जारी किया गया है आपकी ओर से? नोटिस हमने तो टेम्परेरी लाइसेंस जारी करी है जी। अच्छा, और जो जो एनजीटी की हिदायत है भी 8 से 10 चलाने हैं कल रात को 2 बजे 2 घंटे। अच्छा, हाँ जी। सर, आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो अशोक खेत्रपाल जी हैं, हाँ जी, उनका दफ्तर कहता है कि पटाखे बैन हैं, पंचकुला में परमिशन है। हाँ जी, पंचकुला में परमिशन है लेकिन डिस्ट्रिक्ट सिरसा और इन सब एरिया में बैन है। ये हमारे तो कोई चिट्ठी तो ऐसी आई नहीं जी बैन की। अच्छा, चिट्ठी क्या आई है आपके पास? चिट्ठी तो उनमें आई है पुअर और वो वेरी पुअर। हाँ। लेकिन उनसे बात हुई थी प्रदूषण वालों से। हाँ हाँ। वो कहते हैं पिछली बार एक पुअर होती है, एक उससे कौन सी होती है। हाँ हाँ। अगर वो पिछली बार उसकी तरह के है, अपना अभी सिरसा उसमें जोन में नहीं आया। अच्छा अच्छा, इसलिए सिरसा में बजेंगे जी। अच्छा, इसलिए सिरसा में बजेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो आपने डीसी साहब के असिस्टेंट की बात सुनी, अब इसके बाद डवाली के एसडीएम साहब की बात सुनाते हैं, वो सुनिए। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, एसडीएम साहब, ये मैं अमित पोहिया बोल रहा हूँ डवाली से। हाँ जी सर। ये परमिशन पटाखा बेचने की क्या परमिशन है इस बार? पटाखा परमिशन तो डीसी साहब देंगे। अच्छा, डीसी साहब देंगे परमिशन। अच्छा, एक बात बताइए सर, वो एक्चुअल में मैं वो क्लियर करना चाहता था, एबीसी इंडिया से हूँ, कि नोटिस क्या है गवर्नमेंट का कि पटाखे चलाने का क्या टाइम है और कब तक बेच सकते हैं? एनसीआर में तो टोटली बैन है, या 8 से 10 चला सकते हो सिर्फ। सिरसा में 8 से 10 चला सकते हैं? हाँ जी। तो आपने सभी अधिकारियों को सुना, और मुझे लगता है सभी अधिकारियों को सुनने के बाद आपको एक बात समझ आ गई होगी कि सब गोलमोल कर रहे हैं, किसी को प्रॉपर कुछ मालूम ही नहीं है। और सही बताऊं तो अधिकारियों की गलती से ज्यादा बड़ी गलती तो सरकार की है, सरकार को नहीं पता करना क्या है, क्योंकि फैक्ट्री वाले चचा हैं, उनकी उनके पटाखे तो आपको बिकवाने हैं, लेकिन बाहर प्रदूषण बोर्ड एनजीटी, उसको एनजीटी को भी आपने कहना है कि नहीं नहीं भाई साहब, हम पटाखे नहीं चलाने देंगे, प्रदूषण नहीं फैलने देंगे। वहीं आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानना है। तो अब फैक्ट्री यानी व्यापार, प्रशासन, आदेश, कानून, इनके बीच में सरकार उलझ कर रह गई है। ऐसे सरकारें नहीं चला करती। खैर, आप नज़ारा देखिए,
कि किस तरह से पटाखे बेचे जा रहे हैं। तो अब पटाखे देखिए, पटाखे बिक रहे हैं। ये देखिए कितने पटाखे यहाँ पर हैं, अच्छे ये ग्रीन पटाखे हैं सब। आइए एक लोग आइए, बताओगे कुछ बातचीत करोगे। ग्रीन पटाखे हैं सब? हाँ जी सर, सभी ग्रीन है। अच्छा, और कैसे बिक्री इस बार? अभी तो सर आज पहला दिन है। पहला दिन है, कब लगानी शुरू की? 12 तारीख से मंजूरी मिली थी, पर कल शाम को ये टेंट लगाते लगाते हमें रात हो गई। कैसी है सर सेल? नमस्कार, कैसी है सेल? बढ़िया सर, चलिए। पहले कितना बेच लेते, अब कितना बेच लेते? पहले काफी बिक जाता था, अब कम बिक रहा है। इस टाइम पिछले से आधे से 25 पैसे चल रहा है। 25 पैसे चल रहा है। कितने लोगों को कारोबार इससे जुड़ा रहता है? इसे काफी लोगों का कारोबार जुड़ा रहता है। नहीं, 3-4 साल से अभी ड्रा सिस्टम चलता है। अच्छा, सिर्फ 5 ही स्टॉलें अलाउड होती हैं। 5 स्टॉल? हाँ। हाँ जी, क्या खरीदने आए हो? हैं, घबरा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। क्या खरीदने आए हो? पटाखे खरीदने आए। पटाखे खरीदने आए? मास्क नहीं लगाया? हैं, भूल गए। चलो बढ़िया से दीपावली मनाओगे? कौन कौन से पटाखे खरीदोगे? मैंने भी खरीदने हैं। घबरा क्यों रहे हो? कौन कौन से पटाखे खरीदने हैं? और नार, चक्री, सभी पटाखे लेकर आए। अकेले चलाओगे, घर पे किसी और ने मंगाए? अकेले। अकेले चलाओगे? कारोबार कैसा है इस बार? मंदी है। मंदा है? मंदा है। तो दोस्तों, आपने सबको सुना, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो हमें पता नहीं लग रहा। हमें क्या पता लगेगा? बड़े बड़े समाचार पत्रों को नहीं पता लग रहा? कालावाड़ी में आज अखबार में आया कि कहीं कई जगह छापे मारे जा रहे हैं, पटाखों की दुकानों पे पुलिस छापा मार रही है, वहां से पटाखे बरामद कर रही है, और यहां पर इनको परमिशन देकर स्टाल लगा रखी है। एक साइड कहते हो कि एनजीटी का आदेश हम हर हाल में लागू कराएंगे। एनजीटी का आदेश क्या कहता है? कि आप पटाखे नहीं चला सकते। जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पर आप पटाखे नहीं चला सकते। यहां पर देख लीजिए हवा में कितना पोल्यूशन है। लेकिन सर, मैं नहीं कहता कि दीपावली पर पटाखे चलाओ नहीं चलाओ, मैं इतना सा सवाल जानना चाहता हूं सरकार से कि आप ये बताइए कि आपके ऑर्डर्स कहते क्या हैं, रियलिटी क्या है आपके ऑर्डर्स की? आपके पास कुछ भी सच नहीं है, कौन सी रियलिटी है? एक और आपके अधिकारी कह रहे हैं, मैंने जिस शख्स से बात की है वो हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में से बोल रहे हैं, और अगर वहां से कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि पटाखे बैन है, तो पटाखे बिक कैसे रहे हैं? कौन परमिशन देता है ये लोग जो है? इनसे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। ये तो यहाँ पे अपना स्टॉल लगा रहे हैं, ये तो इनका काम है, और इन्होंने पैसा लगाया है, उसके लिए फार्म भरे हैं। आपको अगर एनजीटी का आदेश लागू करवाना है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला लागू कराना है, जो एनजीटी का आदेश और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला दोनों अगर लागू करवाने हैं, जो पोल्यूशन को रोकने के लिए, जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिंदगी बचाना जरूरी है, किसी भी त्यौहार की अहमियत हम जानते हैं लेकिन जीवन बचाना बहुत जरूरी है, वैसे आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो देखते रहिए एबीसी इंडिया। एबीसी इंडिया ऐसे कड़वे सवाल हमेशा पूछता रहेगा। हमें किसी भी कुर्सी से डर नहीं है, किसी भी सत्ताधारी से डर नहीं है, हमें डर है ही नहीं, बस आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मिलता रहे इसकी का इंतजार रहता है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हमें जो भी सरकार कहेगी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी कहेंगे, हर बात हम आपको इसी तरह दिखाएंगे, बेबाक निर्भीक रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे, क्योंकि घपला नीचे से ऊपर तक होता है। इसीलिए आज नहीं कल छापे मारे गए पटाखों के गोदामों पर। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।